फर्स्ट वन ब्रिंग अबाउट accomplish, अचीव किसी चीज को पूरा करना. आई होप टू ब्रिंग अबाउट अ सक्सेसफुल कंक्लूजन राइट. सो फर्स्ट वन विल बी एक्सप्लेन्ड एंड रेड बाय एवरी चाइल्ड विल रीड थ्री एंड मीनिंग एंड सेंटेंस एंड एक्सप्लेन. इफ यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश फाइन, इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन हिंदी देन ऑल्सो फाइन. फर्स्ट इज सोहम. मैम सोहम. यस सोहम. ओके मैम. Bring about, accomplish and achieve. Example, I hope to bring about a successful counseling. Ma'am, इसमें bring about means कुछ करके दिखाना. Bring about का means. Yes. और बताओ आगे बेटा. Bring back, fetch something. Example, I brought back the groceries. Ma'am, मतलब कोई कुछ चीज लेकर फिर से आया है. Ma'am, 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 that is second one is bring back. Ma'am means कि something is return back again. Okay, ma'am. Bring down, make a legitimate rulership lose their position of power. Example, the rebel forces are trying to bring down the president and his government. Ma'am, मतलब किस power को नीचे लाने का. Rulership को नीचे लाने का. ठीक है बेटा. मैम हु इज विच स्टूडेंट नेक्स्ट टर्न. नाउ ओनली बेटा थ्री वर्ड्स यू हैव टू रीड आफ्टर सोहम. नाउ नेक्स्ट इज यतिन. ओके मैम. मैम स्क्रीन आधी दिख रही है. राइट. नो मैम फुल है फुल है. एम ब्रिंग फॉर्ट एम नो ब्रिंग डाउन सेकंड ब्रिंग डाउन. ओके ओके ओके. थैंक यू रोहन. Bring, thank you so much. And bring down, reduce. Example, bring down means ki niche aana. Example, the latest, reduce, beta, kam karna, reduce. Okay, ma'am. Example, the latest bug. Budget. Okay, thank you. Budget reforms are intended to bring down the level of inflation. ये कहते हैं कि किसी भी रेट या एमआरपी को थोड़ा उसके रेट से अपने बजट के हिसाब से डाउन करके बेचना. तो सेकंड वन इज ब्रिंग फोर्थ प्रोड्यूस बियर एज फ्रूट. मैम हाँ जी. मैम yes ma'am what means to produce next word meaning beer. Ma'am beer has one animal but meaning of in this sentence. Which sentence? Bring up. No ma'am. Bring forth to produce beer as fruit. Kisi cheez ko ugana paida karna. Okay ma'am. Aage leke aana. Okay ma'am. Example, there Obed bring forth magnificent fruit. Wonderful, excellent fruit. Okay, ma'am, ये कहती है कि ma'am जो fruit अच्छे घर में उगाए हुए या अच्छी fertilizer जमीन में उगाए हुए वो अच्छे fruits अच्छी गुड क्वालिटी के फ्रूट्स. मैम ये कह रहे हैं इस टाइप इस सेंटेंस में. द ऑर्चर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड मींस
मैम ऑर्चर्ड मींस, मैम ऑर्चर्ड मींस होता है मैम, एनीबडी एनीबडी कोई भी बोलो ऑर्चर्ड का मीनिंग। ओके मैम, ऑर्चर्ड एक ट्री है। ऑर्चर्ड मींस गार्डन ऑफ फ्रूट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल ऑफ लैंड। मैम आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्चर्ड, जैसे फलों के बाग होते हैं उनको ऑर्चर्ड कहते हैं। मैम वन पार्क ऑफ, मैम वन गार्डन और पार्क ऑफ एप्पल्स। यस मैम। यस नेक्स्ट नेक्स्ट मैम ब्रिंग अप रूसी, रूसी एग्जांपल दिस इज रेस एंड व्हाट रेस सीटेड। ओके ओके एग्जांपल सेब डाई डिड वेल सीटेड सीटेड ही डिड सी डिड वेल इनफ। बेटा यतिन हाउ आर यू रीडिंग? मैम वो मेरा गला थोड़ा, मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा कल का कुछ, तो मैम मेरा हो रहा है थोड़ी प्रॉब्लम। शी डिड वेल इनफ ब्रिंग अप रेयू सन्स एंड अ डॉटर ऑन हेयर ओन। मैम प्लीज वेट वन मिनट। ओके बाय द टाइम रिधि यू रीड बेटा लास्ट वन ब्रिंग अप। ओके ब्रिंग अप प्लीज शी डिड वेल इनफ ब्रिंग अप टू सून्स एंड अ डॉटर ऑन हर ओन। मैम रेज होता है मैम उठना। यस वेरी गुड शाबाश मैम। मैम ने कहा था कि मैम आस्क वन स्टूडेंट रीड थ्री थ्री। यस थ्री थ्री सो वेट अ मिनट बेटा। ओके मैम ओके मैम नाउ इट इज क्लियर। यस मैम आई एम अंडरस्टूड मैम आई कैन रीड नेक्स्ट टाइम फॉर गुड टाइप। वेरी गुड नाउ रिधि नेक्स्ट बेटा रीड नेक्स्ट दिस वन। ओके मैम ब्रिंग फोर्थ create generate bring into मैम आगे का मैम दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बेटा वेट। यस मैम मैम स्क्रीन थोड़ी ब्लर ब्लर दिखाई दे रही है। नाउ रीड create generate bring into existence means to live here, जो रह रहा है, जो जिंदा है, जो चल रहा है, which is living here। okay मैम example he has the ability to bring forth new ideas when they are needed, bring forward make something happen earlier than originally planned example the meeting has been brought forward by one day. Yes beta yes so create bring forth means create generate bring into existence right kisi cheez ko create karna produce karna generate karna right usko lively banana usko life mein leke aana right read the sentence he has ability to bring forth new ideas when they are needed. Okay, he has capability to bring, to generate, to create new ideas. Okay, beta, everyone? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Now, next, whose turn? Okay, ma'am. Whose turn next? Ma'am, I can read. Sumit. Kiske turn lagai thi, beta, maine? Ma'am, Riddhi. Riddhi? Ma'am, tab meri turn. Riddhi's turn is over. ओवर हो गई बेटा। पता नहीं चला। सिद्धिमा योर टर्न बेटा। थ्री थ्री यू हैव टू रीड थ्री। ओके मैम ब्रिंग फॉरवर्ड मेक समथिंग हैपन अर्लियर देन ओरिजिनली प्लान्ड एग्जांपल Their meeting has been brought forward by one day. Ma'am, that means
That means make something happen earlier than original plan. मतलब कि जो अपन ने पहले से प्लान बनाए उसके वो नहीं करें और दूसरा प्लान के मुताबिक करें. Bring in, move something indoors. मतलब कि मैम bring in मतलब कि अंदर लाने को और bring out मतलब बाहर जाने को. Example, what you bring in the groceries? Bring out, achieve above or impose a particular quality. Example, she bring out the best in wins. मैम टेन. हाँ बेटा लास्ट का बताओ. To elicit or emphasize or particular quality. Yes, to evoke, to emphasize. किसी चीज पे जोर देना. She brings out the best in yes, her, in him, right? किसी चीज में से अच्छी चीज निकालना, quality निकालना, उस पे pressurize करना, उसको force करके, right? Yes. Now last three. किसकी टर्न है? सीतिमा के बाद सुमित, यू रीड. ओके मैम. ड्रिंक टू रिस्टोर कॉन्शियस. एग्जाम्पल, सर स्मेलिंग सॉल्ट विल ब्रिंग हिम टू रिस्टोर. मैम व्हाट इज मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? Restore after restore, ma'am. Yes, restore consciousness. Restore consciousness means the smelling salts will bring him to, right? किसी को बेहोशी से consciousness में लेके आना, right? To bring him into activeness. Right? Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. बड़ा बैठ का ना. मैम यतीन मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जा रहे हैं इतने सारे. What messages? मैम पता नहीं फ्री फायर लाइक में मुझे भेजे जा रहे हैं. व्हाट्सएप? Yes, ma'am. मैम मैं नहीं भेज रहा. मैम वो मेरा मोबाइल है. मैम वो ग्लिच है थोड़ा. मैम उसमें मेरा पानी गिर रहा था एक दिन. मैम वो कभी भी ग्लिच होकर कुछ भी करता है. मैम वो मेरे से भी नहीं होता. मैम वो खुद ही कुछ ना कुछ करते जाते हैं. मैसेज खुद ही टाइप होते हैं उसमें. मैम मैं नहीं करता. स्टॉप बीइंग ओवर स्मार्ट. आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा रहे हो. व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो. व्हाट स्टोरी यू आर कुकिंग? पढ़ो कना, रीड करो. किसकी टर्न है? हरी अप. मैम सेकंड, ब्रिंग टू मेक समथिंग इक्वल टू अ डिफरेंट अमाउंट. मैम इसमें एग्जाम्पल, द ब्रिंग योर टोटल टू $20. मैम इसमें बोल रहा है कि तुम्हें टोटल $20 लाने हैं. थर्ड, ब्रिंग अप वॉमिट. मैम व्हाट इज मीन्स ऑफ वॉमिट? वॉमिट मतलब उल्टी होना. ओके यस. स्किप करना, वॉमिट करना, किसी चीज को बाहर निकाल देना. चलो बोलो बोलो बोलो. एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी इल टूडे. आई कीप ब्रिंग अप एवरी डे आई एट. मैम इसमें बोल रहा है कि मैं आज बीमार था और मैंने जो खाया वो वॉमिट कर दी. वॉमिट मैम मतलब उसका कि उल्टी कर देना. नहीं, वॉमिट मतलब स्किप कर देना. वॉमिट मतलब स्किप करना. वॉमिट मतलब उल्टी करना. मैम डन. यस करेक्ट. जैसे बेटा मीनिंग साथ में ही लिखा हुआ है इसीलिए. सो इट्स हियर. नेक्स्ट इज. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.